वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेस। सुप्रकाश क्लासेस में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं हृदय के बारे में बताऊंगा, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, पहले हृदय के बारे में देखते हैं। हृदय हार्ट, इसमें दोस्तों चार चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर। तो पहला है दाया आलिंद, जिसे दोस्तों राइट आर्टिकल कहते हैं। दूसरा है दोस्तों बाया आलिंद, जिसे लेफ्ट आर्टिकल कहते हैं। तीसरा है दोस्तों दाया निलय, जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। चौथा है बाया निलय, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। पहला है दोस्तों दाया आलिंद, जिसे राइट आर्टिकल कहते हैं। दूसरा है बाया आलिंद, जिसे लेफ्ट आर्टिकल कहते हैं। तीसरा है दाया निलय, जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। चौथा है बाया निलय, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। दोस्तों, अब यहां देखते हैं, यहां क्या पाई जाती है? ट्राइक स्पीड वाल्व। यहां पर दोस्तों क्या पाई जाती है? ट्राइक स्पीड वाल्व। ट्राइक स्पीड वाल्व पाई जाती है। यहां पर दोस्तों क्या पाई जाती है? ट्राइक स्पीड वाल्व। और यहां पर दोस्तों देखते हैं क्या पाई जाती है? बाइक स्पीड वाल्व। यहां पर दोस्तों ट्राइक स्पीड वाल्व होती है, मतलब इसमें तीन नली होती है। यहां पर बाइक स्पीड वाल्व, यहां पर दो नली होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहां पर क्या पाया जाता है। इस वाले दाहिने आलिंद में क्या पाया जाता है? तो साइनो आर्कुलर नोड या सेयन। दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। दोस्तों, अब इसके बाद देख लेते हैं शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है, उसे सिरा कहते हैं। इसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है इसमें कार्बन डाई साइड युक्त रक्त रहता है। और दोस्तों हृदय से जो शरीर की ओर रक्त ले जाती है, इसमें कौन सा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त रहता है। इसमें इसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अब दोस्तों देखते हैं पल्मोनरी सिरा, इसमें दोस्तों शुद्ध रक्त रहता है। यह क्या करता है? पल्मोनरी सिरा फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त पहुंचाता है। अब दोस्तों देखते हैं पल्मोनरी धमनी क्या करता है? दोस्तों दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है। एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं, पल्मोनरी सिरा या क्या करता है? फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त पहुंचाता है। अब पल्मोनरी धमनी या क्या करता है? दोस्तों दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये जो भी मैंने बोला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि यहां पर बाएं पक्ष में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। यहां पर दोस्तों शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और इस दाएं पक्ष में क्या होता है? अशुद्ध रक्त, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। दोस्तों यहां पर क्या होता है? अशुद्ध रक्त। इस पक्ष में दोस्तों दाएं पक्ष में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, बाएं पक्ष में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है दोस्तों ये हृदय के पार्ट में जितना हो सका मैंने पढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कल बनाएंगे, जो कि निकट दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे, लेंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बताना ये टॉपिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।